नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल JS टॉपिक स्टडी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम साधारण ब्याज के कुछ सवालों को सॉल्व करेंगे और इसमें आपका डाउट रहता है कि जब समय हमें माह में दिया जाता है तब हम कैसे सॉल्व करते हैं और समय अगर वर्ष में दिया जाता है तब हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो ये सारे डाउट आज की इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं और आपको बहुत ही शानदार तरीके से मैं समझाने वाला हूं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं साधारण ब्याज को बहुत ही बारीकी से और अच्छे से सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक पूरा जरूर से देखिएगा, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए हमारा पहला सवाल है कि 2000 रुपए का 5% की दर से 3 माह का साधारण ब्याज क्या होगा। तो हमें देखिए क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले 2000 रुपए का मतलब ये क्या है, ये हमारा मूलधन है, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा मूलधन है, ठीक है। तो हमें मूलधन दिया हुआ है कितना, 2000 रुपए, ठीक है। और परसेंट में जो दी जाती है वो क्या है, दर। ये 5% की दर है और समय कितना है, 3 माह, ठीक है। समय कितना है, 3 माह, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले जो जो दिया हुआ है उनको लिख लेना है, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं भैया मूलधन हमें कितना दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे मूलधन, ठीक है। मूलधन हमें कितना दिया हुआ है, 2000 रुपए। तो हम लिख लेंगे यहां पर 2000 रुपए, ठीक है, क्लियर। चलिए मूलधन दिया है, उसके बाद में हमें दर दी है, तो हम यहां पर लिखेंगे दर हमें दी है कितने परसेंट, 5%, ठीक है। इसके बाद में समय हमें दिया है कितना, समय हमें दिया है 3 माह, ठीक है, 3 माह, ठीक। चलिए अब इसका जो फार्मूला होता है वो फार्मूला हम लिखते हैं और फार्मूले से इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो चलिए यहां पर हम लिख लेते हैं साधारण ब्याज का फार्मूला। तो साधारण ब्याज बराबर, ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे में क्या होता है, 100 होता है, ठीक है। अब देखो यहां पर मूलधन जो है तो मूलधन तो हम लिख देंगे, दर दी गई है 5% तो हम दर भी लिख देंगे। इसके बाद में समय जो है वो हमें माह में दिया गया है, लेकिन यहां पर जो समय होता है ये वर्ष में होता है। तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, इस 3 माह को वर्ष में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वर्ष में देखिए एक वर्ष करें तो यहां पर एक वर्ष में कितने माह होते हैं, 12 माह। 12 माह में से 3 माह हमें दिए हुए हैं तो 3/12 वर्ष जो है हमारा ये आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए वर्ष में हमारा समय आ गया है 3/12 वर्ष, ठीक है, क्लियर। चलिए अब हम यहां पर इसको क्या कर देते हैं, इस वैल्यू को यहां पर रख देते हैं। सबसे पहले मूलधन रखेंगे कितना है, 2000, ठीक है। फिर गुणा समय, दर कितनी है, 5%। फिर इसके बाद में समय कितना है, समय है हमारा 3/12, ठीक है। और इस पूरे के बटे में क्या है, इस पूरे के बटे में यहां पर है 100, ठीक है। चलिए तो देखिए यहां पर 2 जीरो से ये 2 जीरो तो कट गई, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब इसको थोड़ा सा ऊपर सरका लेते हैं, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो तो कट गई। अब देखिए यहां पर क्या क्या बचा, यहां पर बचा 20 गुणा 5 गुणा 3/12, ठीक है। तो अब देखिए हम इसको 2 से काट सकते हैं या फिर 3 से ही कट जाएगा, 3 एकम 3 3 चौके 12, ठीक है। 4 से काट दीजिए, 4 एकम 4 और 4 पंजे 20, ठीक है। अब कितना बचा, यहां पर बचा हमारा 5, फिर यहां पर मल्टीप्लाई हमारा बचा 5 और आगे कुछ भी नहीं बचा। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 पंजे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर जो है 25 रुपए जो है वो हमारा क्या आ गया है, ब्याज आ गया है, ठीक है। तो यहां पर ब्याज हमारा कितना आ गया है, ब्याज बराबर आ गया है 25 रुपए, ठीक है, 25 रुपए। अब आप सोच रहे होंगे सर ये इतना कम कैसे आया, तो भैया 3 माह का था 5% की दर से, ठीक है। तो यहां पर ये जो दर है ये वार्षिक दी गई है। बहुत सारे लोग दर को क्या मान लेते हैं, मासिक मान लेते हैं कि 1 माह में 5% का ब्याज लग रहा है, जबकि ये जो दर है ये वार्षिक है, मतलब कि 1 वर्ष पर 5% लगेगा। तो 3 महीने पे कितना लगेगा, उस हिसाब से हमारा जो ब्याज है वो 25 रुपए ही बनेगा, ठीक है। चलिए अब हम एक ऐसा सवाल करते हैं जिसमें हम सीखेंगे कि वर्ष अगर वर्ष में दिया हो, मतलब समय जो है वो वर्ष में दिया हो, तो वहां पर हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए ये है हमारा दूसरा सवाल। तो यहां पर दिया गया है
6,000 रुपए का 3% की दर से 5 वर्ष का, अब देखिए यहां पर वर्ष बोला गया है, 5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, ठीक है, 5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा यह हमें बताना है, ठीक है। तो जो जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं। तो मूलधन हमें दिया गया है, मूलधन बराबर हमें दिया गया है कितना, 6,000 रुपए, तो हम लिख देते हैं भैया 6,000, ठीक है। दर हमें दी गई है कितनी, दर हमें दी गई है 3%, तो हमने लिख दिया भैया 3% की दर है। समय कितना है, समय हमारा है भैया 5 वर्ष, ठीक है, तो समय दिया गया है 5 वर्ष, क्लियर। चलिए अब यहां पर हम साधारण ब्याज निकालेंगे, तो साधारण ब्याज का फार्मूला लिखेंगे, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, क्लियर। चलिए अब देखो मूलधन कितना है, 6,000, तो यहां पर हम लिख देंगे भैया 6,000, ठीक है। दर हमें कितनी दी गई है, 3%, तो ये हमने लिख दिया 3, ठीक है। समय हमें कितने दिया गया है, समय हमें दिया गया है 5 वर्ष, ठीक है, ये लिख दिया। इसके बाद बटे में कितना है, 100 है, तो ये हमने 100 लिख दिया, ठीक है। अब देखिए 2 जीरो से सीधे सीधे 2 जीरो कट जाएंगी, अब जो बचा है उसको हम गुणा कर लेंगे, तो 60 बचा है, फिर इसके बाद में 3 बचा है, फिर इसके बाद में 5 बचा है, ठीक है। तो चलिए इनको गुणा करते हैं, तो 5 दिया कितना हो जाएगा, 15, ये हो गया 15 गुणा 60, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 15 जीरो में करेंगे 15 का गुणा, तो 0 ही आएगा, और 15 का 6 में करेंगे तो 15 छक्के 90, तो यहाँ पर कितना बना, 900 रुपये हमारा जो ब्याज है वो बन गया, ठीक है। तो ब्याज हमारा कितना आ गया है, ब्याज बराबर हमारा आ गया है 900 रुपये, ठीक है, कितना आ गया है, 900 रुपये, ठीक है। तो इस प्रकार से जब वर्ष में दिया होगा तो हमें वहां पर वर्ष में कन्वर्ट करना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट हम वर्ष रखेंगे और हमारी वैल्यू निकल जाएगी, लेकिन जब माह में दिया होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें 12 से भाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर एक माह एक वर्ष में 12 माह होते हैं, ठीक है। तो आपको ये सारी चीजें समझ में आई गई होंगी। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।